नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रोहित कसाना फार्मिंग लीडर 76 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि पशु को मोटा तगड़ा कैसे करें। तो इसके लिए काफ़ी दिन से बहुत प्रयास चल रहे थे, तो अब इसके लिए एक हम बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला आपके बीच लेकर के आए हैं, जो कि पशु चिकित्सा में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आपका पशु का जो बच्चा है वो लगभग एक महीने का हो चुका है, तो जो मैं औषधियाँ बता रहा हूँ वो सभी औषधियाँ आपको पंसारी की दुकान पे बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपको ये औषधियाँ लेनी हैं और क्या करना है, किस विधि से बढ़ाना है, बने रहिए मेरे साथ, सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों आपको जाना है पंसारी की दुकान पर और आपको सबसे पहले लेना है, आपकी जो औषधियाँ होंगी वो पांच होंगी। सबसे पहली औषधि है आपकी अश्वगंधा, उटंगन, ताल मखाना, गोखरू और सफ़ेद मूसली। समांतर डोज या समांतर मात्रा में आप इसे ले लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो आपके पशु का बच्चा है उसे आप एक एक चम्मच रोज अपने पशु को खिलाइए। आपका पशु यदि 3 साल में बच्चा कंप्लीट हो रहा था, पूरा बड़ा हो रहा था, तो आपको 2 साल में ही अच्छा हो जाएगा। यदि आपका बड़ा पशु है तो डोज को थोड़ा बढ़ा लेंगे अपने पशु के अनुसार। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। अपने पशु को खिलाइए। यदि आपका पशु मोटा तकड़ा नहीं हो रहा है तो ये जो मैं औषधियाँ मैंने आपको बताई हैं ये आप अपने पशु को खिलाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर से बता दूं, अश्वगंधा, उटंगन, दाल मखाना, गोखरू और सफ़ेद मूसली, ये पांचों चीज़ आपको ले लेनी है। आप लगभग 250-250 ग्राम की मात्रा इन्हें ले लीजिए और सबको एक जगह मिक्स करके पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से, और किसी डब्बे में आप इसे पैक करके रख लीजिए और अपने पशु को समांतर डोज सुबह शाम चोकर चूरी या बट्टे में मिला करके ऐड करके आप अपने पशु को दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे हर किसान भाई के पास यह फॉर्मूला पहुँच सके। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।